कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा असाइनमेंट ऑनलाइन जमा कराने के फैसले का छात्र संघ ने विरोध किया है। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय बंद हैं, जिस कारण ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इधर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन असाइनमेंट जमा कराने का आदेश दिया है, जिसका छात्र छात्राओं ने विरोध किया है। छात्र संघ का कहना है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कई छात्र छात्राएं दूरस्थ गांवों में निवास करते हैं। इन गांवों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं ज्वाइन करने तथा असाइनमेंट जमा करने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संघ ने ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि असाइनमेंट जमा न होने की दशा में यदि छात्र छात्राओं का परीक्षाफल खराब हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ऑनलाइन असाइनमेंट मंगवाने के विरोध में कल मेरे द्वारा प्राचार्य महोदय को ईमेल के द्वारा एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें हमने यह मांग रखी कि अधिकांश बच्चे दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और कहीं कहीं नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण अधिकांश बच्चे ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने में असमर्थ हैं। और अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए कई जगह पेपर उपलब्ध नहीं है, जिनमें असाइनमेंट सीट उपलब्ध नहीं है, तो जिस कारण से बच्चे असाइनमेंट बनाने में असमर्थ हैं। तो अतः हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय लिया जाए, ताकि यह निर्णय छात्र हितों में हो। अगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो छात्र संघ सभी छात्र हितों में लड़ने के लिए तैयार है और तैयार रहे। जी, जो हमारा विरोध है वह जो ऑनलाइन असेसमेंट का निर्णय लिया गया है कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा, उस पर हमारा विरोध है कि कई जो दूरस्थ छात्र छात्राएं हैं वो असाइनमेंट भेजने में असमर्थ है, क्योंकि वहाँ नेटवर्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। जो हमारा छात्र संघ है और जो महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, वो इस ऑनलाइन असेसमेंट का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। अगर इस पर कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा कोई अगर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और छात्र संघ उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। जी देखिए, जिस तरीके से कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो ऑनलाइन असेसमेंट है उनको ऑनलाइन तरीके से अपने सभी टीचर्स को भेजा जाए, लेकिन कई छात्र छात्रा ऐसे हैं जो कई दुरुस्त गांव से हैं, जो किसी भी तरीके का उनके पास संचार की कोई सुविधा नहीं हो पा रही है, जिससे वो अपना असाइनमेंट भेज नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए कई छात्र छात्राओं ने यह शिकायत की है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए। जी, ये एक तरीके से कारगर भी साबित होती है और एक तरीके से छात्र छात्राओं के लिए परेशानी भी है। जो छात्र छात्राएं दूर दूरस्त गांव में हैं, वहाँ नेटवर्क की जो कमी हो रही है उसके चलते वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण कई लोगों ने हमसे ये भी बोला कि ऑनलाइन क्लासेस ना हो। और जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे हैं, और अगर उनके पास कोई सुचारू रूप से कोई कॉपी किताबें हैं अपने कक्षाओं की, तो आप उनके माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। अगर कोई सुविधा आपको नहीं मिल पा रही है तो उस सुविधा को पूरी करने के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी समस्याओं को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, जो ऑनलाइन पद्धति अभी स्टार्ट की गई है, जिसमें असाइनमेंट छात्र छात्राओं को ऑनलाइन तरीके से जमा करना है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और छात्र संघ इसका पूरा विरोध करती है, क्योंकि कई क्षेत्र में ऐसे हैं, कोई पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर को नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, जिसमें नेटवर्क वहाँ पर को नहीं पकड़ते हैं। कई ऐसे छात्र छात्राएं वंचित हैं जो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो किस प्रकार से असाइनमेंट जमा करेंगे, ये सोचनी विषय है। शिक्षा मंत्री द्वारा यह निर्णय वापस लेना चाहिए एवं छात्र हित के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी है छात्र छात्राएं दूर दराज क्षेत्र के आते हैं, जिसमें कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, नेटवर्क की व्यवस्था है, कहीं पर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो जिससे असाइनमेंट छात्र छात्राएं जमा नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस ऑनलाइन पद्धति को दूर करने का कष्ट करें एवं छात्र हित के लिए कार्य करने का पूरा प्रयास करें, जिससे अगर इसके बावजूद भी अगर ये नहीं हो पा रहे तो छात्रों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।